हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जोशी फैमिली ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है हरेला का त्यौहार जो उत्तराखंड से रिलेटेड है और रिलेटेड है हरियाली से, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है, और इसलिए अच्छी हरियाली हो, अगर अच्छी हरियाली होगी, अच्छी फसलें होंगी, तो देश में खुशहाली होगी, प्रदेश में खुशहाली होगी। तो अच्छी फसलों के लिए, अच्छी हरियाली के लिए, अच्छी खेती के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कुछ थोड़ा सा अनाज उगाकर घर में उसे बुआई करते हैं, फिर उसे 10 दिन बाद संक्रांति के दिन उसकी कटाई करते हैं। तो इसलिए आज हम मनाने जा रहे हैं हरियाला का त्यौहार। तो अब आपको दिखाते हैं हम कैसे मनाते हैं। हरियाला आज हरियाली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, मतलब कि आज से शुरुआत है, आज हम हरियाला बोने जा रहे हैं। ये 7 प्रकार के अनाज है, इस अनाज को आज बोया जाएगा, बोया जाएगा। मतलब हमारे घर में यूट्यूबर पैदा हो गए हैं, नहीं नहीं यूट्यूबर फैमिली। बोलते भी जाओ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो दादी, दे टी शर्ट पहन के। तो देखिए गाइस, आज हम हरेले का त्यौहार मना रहे हैं, जो कि वो रहे हैं, मना रहे हैं, एक ही बात है, मना रहे हैं। तो आज हरियाला बोया जाएगा, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बना रही। आज ये हरियाला बोया जा रहा है जी, ये उत्तराखंड की हमारी संस्कृति है। उत्तराखंड में आज के दिन हरियाला बोया जाता है, 10वें दिन काटा जाता है, और आज से 10वें दिन में जब ये हरियाला जो है उग जाएगा, मतलब कि जो फसल ये लगाई है ये उग जाएगी, तो इसे 10वें दिन काटा जाएगा। आज से संक्रांति के दिन जो है इसे हरियाला काटा जाएगा। ये उस दिन फिर मालपुए, खीर और जो अन्य पदार्थ है वो बनाए जाएंगे इसे मनाने के लिए। इसका संबंध हरियाली से है, जो कि आपको पता है कि हमारा देश एक खेती प्रधान देश है। तो अच्छी संपन्न खेती हो, तो संपन्न खेती होगी तो संपन्न परिवार होगा, संपन्न प्रदेश होगा, संपन्न देश होगा। तो इसीलिए इसे मनाया जाता है कि हमारी जो फसलें हो, जो खेती हो, वो हरी भरी हो और सारे प्रदेश में, सारे देश में हरियाली हो और संपन्नता हो। तो ये संपन्नता से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। तो बड़ी ही धूमधाम से उत्तराखंड में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में यह मनाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे अब ये मिट्टी में रोपण कर रहे हैं अनाज, सप्त प्रकार के अनाज इसमें मिलाए जा रहे हैं, और
ये उपजाऊ मिट्टी है, मिट्टी में एक बर्तन में मिट्टी ली गई है और उसमें अनाज को मिलाया जाएगा, जैसे कि खेतों में रोपण किया जाता है उस प्रकार से। तो ये देखिए, हमने मिट्टी नहीं डाला, अब सारा परिवार बैठ के यहाँ पर अपना इस हरियाली में, इस खेती में, अपनी फसलों को उगाने में सब जैसे सब परिवार मदद कर रहा है। और जब ये खेती उग जाएगी तो सब परिवार इसे काटेंगे और उस दिन त्यौहार मनाया जाएगा। जिस प्रकार पंजाब में 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है गेहूं की फसल काट कर, तो उसी प्रकार यह भी एक उसी प्रकार का ही एक एक त्यौहार है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है, फसलों से संबंधित, फसलों की संपन्नता के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चीटू मत मारना, रिद्धू और रिद्धू क्या खाया आपने, क्या खाया मुंह में क्या है, आपके मुंह में क्या है, क्या है दादी मम्मा को, क्या चीज है आपके मुंह में, जय क्या, तो सबको इधर आओ, रिद्धू इधर आओ, जय बोलो, जय रिद्धू, जय रित, जय बोलो बेटा जोर से बोलो, जय मम्मा को बोलो, अरे 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 मत्था ऐसे टेकना, जय करो जय करो, रितु जोर से बोलो, जय रितु, रितु जय बोलो, जय ये देखिए गाइस, चीटों के साथ बातें हो रही है भरत की, ये बातें करने के लिए भरत को लोग नहीं मिलते ना, चीटों के साथ बातें होती है। बनियान देखो कहाँ जा रही है, जय है। ये नया कोट जो खरीदा है हमने डीमार्ट से, देखिए जरा इसमें हमने उगाए हैं ये प्लांट, इसमें अब आ जाएंगे फ्लावर, दिखाएंगे आपको। हमारी तो क्या कर रही है, ये तो भाई जय पाल गया मुँह में, जय जय कर दो जोर से बोलो, जय ये इसकी सतानी, जय आजा फिर आजा निन्नू करते हैं, आओ जय जय आई छम छम छम, कोई बोल इधर को आ, वेस्ट तो बेटा भर गया था, वेस्ट ही होएगा, कोई बात नहीं, बारिश का पानी है वो। गाइस आज ये हरेला बोया है, आज देखिए शुरुआत हो चुकी है बारिश की, आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, देखिए जरा। और इतू ऊपर, हाँ ऊपर इतू नारे तू, नारे तू अपने सिर के ऊपर भी रख, अपने सिर के ऊपर भी रखा है ऐसे, रिद्धू चोर है रिदा, ओ रिद्धू रिद्धू ले मेरे बच्चे, नाच के दिखा, नाच के दिखा, भी नाचो, नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे, क्रीम पाउडर पापा गाना गाओ, हेलो भला
ரிது